हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू प्रज्ञा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज गंगापुर सिटी एंड आई एम डॉक्टर डीएल कुमार बायोलॉजी फैकल्टी। नाउ टुडे वी डिस्कस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक बेटा, हम बात कर रहे हैं यूनिट 10 सेल और उसका जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड नाउ टुडे वी डिस्कस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी हम फॉलोइंग पॉइंट्स में करेंगे। क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, लेमिलर सिस्टम एंड क्वांटोसोम। तो इन फोर पॉइंट्स में क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। देखिए बेटा, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक डबल बाउंडेड यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान डबल बाउंडेड यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज है जिसमें डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बात करें एनवेलप की, तो देखिए बेटा, इट इज मेड ऑफ टू स्मूथ मेम्ब्रेन। जो क्लोरोप्लास्ट का जो एनवेलप है, जो उसका आवरण है, वो दो स्मूथ मेम्ब्रेन से बना होता है। तो इट इज मेड ऑफ टू स्मूथ मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के रूप में होती है। थिकनेस ऑफ ईच मेम्ब्रेन इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। ईच मेम्ब्रेन जो थिकनेस है वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए, मैं अगर बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट के जो एनवेलप है वो डबल मेम्ब्रेन से या टू मेम्ब्रेन से बना है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गए, जिसे अपन बात करें जिसमें ये प्रोटीन लेयर होगी और बीच में लिपिड लेयर होगी। तो ये बीच की लिपिड लेयर हो गई और ये प्रोटीन लेयर हो गई। इसी तरीके से फिर ये प्रोटीन लेयर और फिर ये लिपिड लेयर। इस तरीके से डबल बाउंडेड जो डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, तो इनकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम होगी। इसी प्रकार इसकी जो थिकनेस है वो भी 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होगी। इस तरीके से तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये एक तरीके से आउटर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें द इनक्लोज एंड इनर मेम्ब्रेन। देखिए, द इनक्लोज इनर मेम्ब्रेन पेरी प्लास्टिडियल या पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस। तो देखिए बेटा, जो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता, तो ये स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस को अपन क्या कहेंगे बेटा, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। जैसे वहां माइटोकॉन्ड्रिया में अपन क्या कह रहे थे, आउटर चेंबर कह रहे थे या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ऐसे ही इसे भी अपन आउटर चेंबर कह सकते हैं या फिर पेरी प्लास्टिडियल या पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और ये 100 से 120 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये जो स्पेस प्रेजेंट है ये कितना होगा बेटा, 100 से 120 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? देखिए, मैं एक बार आपको माइटोकॉन्ड्रिया का शेप बना के बता दूं, जिससे अपने को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो, सॉरी, पेरी प्लास्टिडियल जो स्पेस है वो किस तरीके का होगा। तो देखिये, ये आउटर एनवेलप हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इसी प्रकार ये इनर मेम्ब्रेन हो गई।
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो कि अपन बात कर ले एक तरीके से लेवल के रूप में, जिसमें प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन लेयर के रूप में, ये इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस जो है, इस स्पेस को अपन क्या कहेंगे बेटा, पेरिप्लास्टिडियल या पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस कहेंगे। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ये कौन सा स्पेस कहलाएगा बेटा, पेरी क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस। ईच मेम्ब्रेन जो थिकनेस है वो कितनी है, 75 से 100 एंगस्ट्रोम है थिकनेस जो है मेम्ब्रेन की, और जो ये पेरी प्लास्टिडियल जो स्पेस है इसकी जो है वो 100 से 120 एंगस्ट्रोम इसकी साइज है। तो ये स्पेस प्रेजेंट। नेक्स्ट अपन बात करें सर्टेन एल्गी पजेस ए थ्री मेम्ब्रेन, कुछ जो एल्गी है उसमें थ्री मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये 1-2 मेम्ब्रेन है, तो कुछ क्लोरोप्लास्ट में जो एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उसमें थ्री मेम्ब्रेन भी होती है, और जैसे यूग्लिनोइड्स में थ्री मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो 1 और 2 ये तो 2 मेम्ब्रेन है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, और जो कुछ एल्गी होती है उनमें 3 मेम्ब्रेन होती है, और यूग्लिनोइड में 3 मेम्ब्रेन है, और अगर मैं बात करूं 4 मेम्ब्रेन भी है, तो डायटम्स जो एल्गी है उसमें 4 मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में वैसे डबल मेम्ब्रेन होती है हायर प्लांट्स में, परंतु कुछ एल्गी में जैसे यूग्लिनोइड्स में 3 मेम्ब्रेन होगी, और जो डायटम्स जो एल्गी है उनमें 4 मेम्ब्रेन भी होगी उनके क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें आउटर मेम्ब्रेन इज प्रिमेबल विथ नंबर ऑफ सोल्यूट्स एंड मेटाबोलिज। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में करती है जो डिफरेंट टाइप के जो सोल्यूट है और जो मेटाबोलिज मटेरियल है उनके लिए कैसी होती है बेटा, ये प्रिमेबल होती है, उनका एजी वैसे ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में ये करती है आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अपन बात करें तो इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिव प्रिमेबल, जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की वो एक सिलेक्टिव प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में फंक्शन करती है, तो सिलेक्टिव प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य कर रही है विद ए नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट वेरियस सबस्टेंस। तो देखिए बेटा द इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिव प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है, जो इनर मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है विद ए नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, जिसमें बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं वेरियस जो ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस उनको क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में है और ये सिलेक्टिव प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में। क्लियर। द इनर मेम्ब्रेन डेवलप इन फोल्ड एंड फॉर्म्स ऑफ थायलाकोइड्स। जो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड है, यानी ये इस तरीके से फोल्ड होकर इनकी जो प्लेट जो टूटते हैं, इनकी जो पार्टिकल टूटते हैं, उन पार्टिकल से या उनके फोल्ड से थायलाकोइड्स का डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन ऑफ थायलाकोइड बनती है। तो देखिए बेटा अपन ने पहला पार्ट अपन ने बात किया क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें हमने बात की क्लोरोप्लास्ट इनवेलोप जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन से बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है इनकी थिकनेस जो अगर मैं बात करूं तो 75 से 100 एंगस्ट्रोम इसकी थिकनेस होती है। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये यूनिट मेम्ब्रेन के इक्वल है, जो अपन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग है। ये ट्रिपल लेयर के रूप में है, तो ट्रिपल लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में है वो पेरिप्लास्टिडियल या पेरिक्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस प्रेजेंट होता है, जो 100 से 120 एंगस्ट्रोम होता है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक सिलेक्टिव प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है, और जो
आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है और इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड है उनसे थाइलाकोइड का फॉर्मेशन होता है। ये क्लियर हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपन बात करेगा मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। ठीक है, तो देखिए बेटा ये अपन ने क्लोरोप्लास्ट की अपन बात कर रहे थे और क्लोरोप्लास्ट की ये एक तरीके से जो पेरिप्लास्टिडियल जो स्पेस है इसे अपन आउटर चेंबर भी कह सकते हैं और ये है इनर चेंबर या इसे अपन प्लास्टिडियल स्पेस कह सकते हैं। ये प्लास्टिडियल या क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस है, तो ये क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस है और इस क्लोरोप्लास्टिडियल जो स्पेस है इसमें एक जो मेटीरियल भरा होगा उस मेटीरियल को अपन क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रोमा कहेंगे। तो ये जो मेटीरियल फ्लूड भरा हुआ है इसे स्ट्रोमा है। तो इट इज ए प्रोटीन कोलाइडल कॉम्प्लेक्स दैट फिल्स द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के इंटीरियर में यानी अंदर एक प्रोटीन कोलाइडल कॉम्प्लेक्स भरा होता फिल रहता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आउटर इंटीरियर है इसका, ये बाहरी भाग है इसका, या इसे आउटर चेंबर अपन कह सकते हैं, ये इनर चेंबर है, इसे अपन क्या कह सकते हैं बेटा, प्लास्टिडियल या क्लोरोप्लास्टिडियल स्पेस कहेंगे अपन इसको। और इसमें जो फ्लूड भरा होगा उस फ्लूड को हम मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर। इन द मैट्रिक्स आर एम्बेडेड ए नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स, इसमें बहुत सारे प्रकार के जो ग्रेन्यूल है वो एंजाइम डीएनए आरएनएज, आरएनएज मीन्स तीनों प्रकार के आरएनए, टीआरएनए एमआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों प्रकार के आरएनए। ये बहुवचन को बता रहा है यहां पर, ये प्लूरल को क्लियर कर रहा है। आरएनए तीनों प्रकार के राइबोसोम एंड प्लास्टोग्लोब्यूल, प्लास्टोग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में एम्बेडेड ए नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स एंजाइम्स डीएनए आरएनए राइबोसोम एंड प्लास्टोग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं इस मैट्रिक्स में। क्लियर। हम एक एक पार्ट की बात करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले बात करें सीपी डीएनए। सीपी मींस क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए, सी नहीं लगाएंगे क्योंकि सी मींस काइमेरिक डीएनए हो जाएगा, इसलिए अपन इसको सीपी डीएनए कहेंगे। तो क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए इस सर्क्यूलर, जो सर्क्यूलर होता है क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के सिमिलर होता है, नेकेड फॉर्म में होता है, हेलिकल रूप में कोलाइडल रूप में होगा, सर्कुलर होगा, 2 से 6 कॉपीज के रूप में रहेगा। सो बोथ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, और इस डीएनए में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म भी होती है। तो ये डीएनए जो है सीपी डीएनए, ये डीएनए भी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म करेगा और 2 से 6 कॉपीज में होगा, सर्कुलर होगा। तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये इस तरीके का डीएनए होता है, तो ये सीपी डीएनए होगा। क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट अपन बात करें एंजाइम्स। तो देखिए बेटा एंजाइम्स प्रेजेंट रिलेटेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। देखिए कौन कौन से जिसमें बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। तो एंजाइम्स प्रेजेंट इन रिलेटेड केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल से जो फोटोसिंथेसिस की एक स्टेप है उसमें केल्विन साइकिल के जितने भी जो एंजाइम्स वो प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के जो पिगमेंट होंगे इसमें, जैसे क्लोरोफिल है उनके संश्लेषण के लिए, कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीन है, जेंटोफिल है उनके संश्लेषण के लिए, उनके सिंथेसिस के लिए जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो एंजाइम इसमें रहेंगे। इसके अलावा लिपिड मेटाबोलिज्म, लिपिड के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिपिड, लिपिड के जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होगी उसके लिए रिक्वायरमेंट एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा स्टार्च, स्टार्च के सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम्स होंगे वो भी इसमें प्रेजेंट होंगे। तो देखिए बेटा जो क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में केल्विन साइकिल से फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस पिगमेंट्स, इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म, स्टार्च सिंथेसिस एंड स्टार्च के डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे।
तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें रुबिस्को। रुबिस्को इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है रुबिस्को। तो रुबिस्को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट प्रोटीन एंजाइम है, ठीक है। तो देखिए बेटा रुबिस्को का पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, याद रखना, रिपीट कर रहा हूं अगेन, राइबुलोज ये हो गया राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ये पूरा बाइफॉस्फेट बिस जो है वो बाइफॉस्फेट, और सी कार्बोक्सिलेज और ओ ऑक्सीडेज। तो ये एक तरीके से दोनों तरीके से कार्य करता है ये एंजाइम, कार्बोक्सिलेज की तरह भी कार्य करता है और ऑक्सीडेज एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। तो रुबिस्को एंजाइम जो कि मोस्ट इट इज द मोस्ट एम्बेडेड एंजाइम ऑन द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित होता है। और मैं एक बात कहूं कि इस वर्ल्ड में सर्वाधिक मात्रा में जो प्लांट प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन है बेटा, रुबिस्को ही। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ये, तो इस वर्ल्ड में सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट प्लांट प्रोटीन कौन सा है बेटा, रुबिस्को है, ठीक है। तो रुबिस्को एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो भी इसमें प्रेजेंट है जो प्लांट प्रोटीन के रूप में है। नेक्स्ट अपन बात करें प्लास्टोग्लोब्यूलिन और लिपिड ग्रेन्यूल्स, ग्लोब्यूल्स होते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं, दैट मे आल्सो कंटेन क्वांटोसोम क्यूनोन्स। देखिए बेटा जो प्लास्टो ग्लोब्यूल है वो लिपिड ग्रेन ग्लोब्यूल्स होते हैं, दैट मे बी आल्सो कंटेन क्यूनोन्स विटामिन के एंड ई, विटामिन के एंड ई एंड सम एंजाइम्स। तो जो प्लास्टोग्लोब्यूली है वो लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं और ये किसके कंटेन होते हैं, क्यूनोन्स के, विटामिन के, विटामिन ई के एंड सम एंजाइम्स के कंटेन होते हैं इसमें। तो प्लास्टोग्लोब्यूल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा इसके अलावा स्टार्च ग्रेन अकर टेम्परेली इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें टेम्परेरी रूप से स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आरएनए, इसके अलावा प्लास्टोग्लोब्यूल्स, ये प्लास्टोग्लोब्यूल्स हो गए, स्टार्च पार्टिकल ये इसमें हो गए, इसके अलावा एंजाइम्स रुबिस्को और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल इंक्लूड दोज ऑफ फाइटोफेरिटिन एंड मिनरल एलिमेंट। फाइटोफेरिटिन ग्लोब्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होती है और मिनरल जो है मिनरल एलिमेंट है वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है वो अपन ने देख लिया। इसके अलावा राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है बेटा, राइबोसोम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो यूकेरियोट सेल के राइबोसोम के सिमिलर है, तो 70S प्रकार के राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स में अपने क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स जो है वो पेरिप्लास्टिडियल जो प्लास्टिडियल या क्लोरोप्लास्टिडियल जो स्पेस है उसमें एक जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, इसके अलावा जो है एंजाइम्स, रुबिस्को एंजाइम्स, केल्विन साइकिल एंजाइम्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंजाइम्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स, इस प्रकार के बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स और फास्टोग्लोब्यूल भी, फास्टोग्लोब्यूल इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये मैट्रिक्स का कंटेंट था, क्लियर। तो ये दो पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। थर्ड पार्ट अपन बात करें तो वो है बेटा लेमिलर सिस्टम, ठीक है। चलिए हम बात करें बेटा लेमिलर सिस्टम, तो थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा इसमें लेमिलर सिस्टम में वो किस तरीके से, लेमिलर सिस्टम क्या है वो क्लियर कर दो पहले तो। कि देखिए ये अपना हमारे जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन होगी,
तो क्लोरोप्लास्ट के जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में देखिए बेटा थाइलेकोइड, ग्रेनम, ग्रेना और इंटरग्रेनम इन लेमिलियों से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है इन चार यूनिट से। देखो थाइलेकोइड, ग्रेनम, ग्रेना और इंटरग्रेनम इनसे मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है जिसे अपन लेमिलर सिस्टम कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की लेमिली है और ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक तंत्र बनाती है, इसमें एक सिस्टम बनाती है, उसे अपन क्या कहते हैं लेमिलर सिस्टम। देखो सिस्टम मीन्स क्या होती है, जिसमें टू या मोर देन यूनिट प्रेजेंट होती है, यानी बहुत सारी जब यूनिट मिलकर एक किसी फंक्शन को कंप्लीट करती है उसे अपन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें कितनी यूनिट है, फोर यूनिट है और ये मिलकर एक क्या बना रहे हैं, एक विशेष प्रकार का एक क्या बना रहे हैं, स्पेशल टाइप का एक सिस्टम बना रहे हैं, उसे अपन लेमिलर सिस्टम कहते हैं। और ये इसमें क्या किससे बना, ये लेमिलियों से बना है इसलिए इसे लेमिलर सिस्टम कहते हैं। लेमिले का जो फॉर्मेशन है वो इसके फोल्डिंग से होता है। तो ये अपन अभी की थी बात कि द इनर मेम्ब्रेन डेवलप फोल्ड एंड फॉर्म्स ऑफ थाइलेकोइड, तो थाइलेकोइड जो है वो एक तरीके से लेमिले का ही पार्ट, तो इन्हीं से लेमिलर सिस्टम बनता है। ये कैसे है, क्या है, वो अपन यहां पर एक एक पार्ट बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले अपन बात करें थाइलेकोइड्स। देखिए मैं एक बार इसमें लेमिलर सिस्टम बना देता हूं। ये इस तरीके से कुछ पटलिकाएं मिलकर, जो लेमिली है वो मिलकर इस तरीके से एक क्या बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे अपन लेमिलर सिस्टम कहते हैं। तो ये लेमिलर सिस्टम, ठीक है। अब अपन बात करें इसके फोर यूनिट है, फोर पार्ट है इसके, थाइलेकोइड, ग्रेनम, ग्रेना और इंटर ग्रेना। एक एक को अपन क्लियर करेंगे, एक एक को अपन समझेंगे जिससे इच में से आपके क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपन बात करें थाइलेकोइड्स, क्लियर। देखिए बेटा थाइलेकोइड्स क्या है, थाइलेकोइड्स जो वर्ड है वो थाइलेकोस से बना है। थाइलेकोइड जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना है, थाइलेकोस से बना है, विच मीन्स पाउच, एक तरीके से पाउच है, ठीक है। तो थाइलेकोइड जो है वो थाइलेकोस वर्ड से बना है और विच मीन्स ए पाउच, और ये मेनके द्वारा दिया गया है। साइंटिस्ट का नाम क्या है, था मेनके ने 1961 में थाइलेकोइड को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो मेनके ने इसे डिस्कवर्ड किया और थाइलेकोइड मीन्स क्या है, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। आगे बात करें, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो थाइलेकोइड है वो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्लियर बेटा। तो थाइलेकोइड क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और मेनके ने इसे डिस्कवर किया और ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट अपन बात करें, थाइलेकोइड इज फ्लैटेड सैक, फ्लैटेंड सैक है एंड लाइंड बाय ए मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड इन हार्वेस्टिंग लाइट एनर्जी। देखिए बेटा ये इनर मेम्ब्रेन से डेवलप होती है क्लोरोप्लास्ट की और ये एक फ्लैटेड सेक और लाइन फ्लैटेड लाइनदार सेक सेक है एंड बाय मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड, जो मेम्ब्रेन से बने हैं एंड स्पेशलाइज्ड इन हार्वेस्टिंग लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड डेवलप फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन। जो थाइलेकोइड है वो किससे बनते हैं, इनर मेम्ब्रेन से। तो थाइलेकोइड डेवलप फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन होती है एक तरीके से। देखिए मैं इसको क्लियर कर दूं आपको, थाइलेकोइड क्या है बेटा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये एक डबल मेम्ब्रेन के रूप में है। तो ये एक मेम्ब्रेन ये हो गई और दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, इस तरीके के डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को अपन इस डिस्क लाइक एक फ्लैटेड सैक्ड लाइंड स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं बेटा, थाइलेकोइड कहते हैं। तो ये थाइलेकोइड है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करूं तो देखिए बेटा ये एक प्रोटीन लेयर और ये बीच में लिपिड लेयर, तो इस तरीके से अपन कहें ये हो गई। इसी प्रकार फिर ये प्रोटीन लेयर और फिर ये लिपिड लेयर और ये प्रोटीन लेयर, इस तरीके से डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन के रूप में ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अपन थाइलेकोइड कहते हैं।
इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है कि ये इसकी जैसे आउटर लेयर आउटर मेम्ब्रेन, ये बीच में लिपिड हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन, इसी प्रकार वापस फिर ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये फिर बीच में फैट हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन, इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन के रूप में ये थायलाकोइड है एक पीस। ठीक है, अब इस थायलाकोइड की क्या स्ट्रक्चर है वो मैं इंटरनल पूरी स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले ये प्रोटीन लेयर होती है, ये प्रोटीन लेयर होगी, मैं क्लियर कर रहा हूं, एकदम क्लियर आपको समझा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वास्तव में थायलाकोइड क्या है। ये प्रोटीन लेयर हो गई, उसके बाद ये इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो थायलाकोइड है उसकी जो इनर फेस है उस पर एक राउंडेड शेप सर्कुलर शेप पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिसे क्वांटोसोम अपन कहते हैं, वहां पर अपन बात करेंगे आगे क्वांटोसोम। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो गए, उसके बाद ये कैरोटीनॉइड्स हो गए जिसमें कैरोटीन और जेंटोफिल आ गए। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये लिपिड मॉलिक्यूल आ गए, ये क्या आ गए बेटा, लिपिड मॉलिक्यूल, ये लिपिड हो गया, ये लिपिड, ये लिपिड हो गए और ये प्रोटीन लेयर हो गई, ये प्रोटीन लेयर हो गई, ये प्रोटीन लेयर हो गई वापस। तो देखिए ये है प्रोटीन लेयर, उसके बाद ये क्लोरोफिल, उसके बाद ये कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स, ये लिपिड, लिपिड, ये प्रोटीन, प्रोटीन लेयर हो गई वापस ये। ठीक है, उसके पश्चात देखिए बेटा ये लिपिड लेयर आ गई वापस। ठीक है, ये लिपिड लेयर और ये लिपिड के हेड पार्टिकल, ये क्या हो गए उनके हेड पार्टिकल, फास्फोलिपिड होता है जिसमें एक हेड होती है और एक टेल होती है, हेड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद ये मैं कहूं तो ये क्या हो गए बेटा, कैरोटीनॉइड पार्टिकल हो गए, कैरोटीनॉइड, और उसके बाद ये क्लोरोफिल पार्टिकल हो गए, क्लोरोफिल, और ये प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर। ठीक है, इस प्रकार से थायलाकोइड की ये स्ट्रक्चर है इंटरनल बेटा। तो ये वापस प्रोटीन, फिर ये लिपिड, फिर ये कैरोटीनॉइड, ये क्लोरोफिल और ये प्रोटीन लेयर, ऐसे डबल बाउंडेड है। ये है थायलाकोइड, क्लियर। तो थायलाकोइड जो है बेटा क्या है, थायलाकोइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी मेनके ने डिस्कवर किया, एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट की। ये डबल मेम्ब्रेन के रूप में है, एक स्पेसिफाइड मेम्ब्रेन है जिसमें जो वाटर जो स्पेशल हार्वेस्टिंग लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और ये फ्लैटेड सैक लाइन स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो मैं इनर मेम्ब्रेन कर रहा हूं यहां पर क्वांटोसोम प्रेजेंट होता है। तो जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर सरफेस होगी, इसमें यहां पर, यहां अंदर, यहां क्या होंगे, क्वांटोसोम होंगे। अभी अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, तो थायलाकोइड क्लियर हुआ, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा ग्रेनम, ग्रेनम अपन बात कर रहे हैं। देखिए ग्रुप ऑफ थायलाकोइड आर कॉल्ड लेमिना या लेमिनी। देखिए बेटा द ग्रुप ऑफ थायलाकोइड कॉल्ड लेमिनी। तो ग्रुप ऑफ थायलाकोइड क्या है बेटा, ग्रेनम। तो ग्रेनम बहुत सारी जो थायलाकोइड है, बहुत सारी थायलाकोइड एक ग्रुप में प्रेजेंट होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, ग्रेनम कहते हैं। जब बहुत सारी जो थायलाकोइड है वो एक सिक्कों के ढेर के समान, जैसे अपनी कॉइन का जो अपन ढेर कर देते हैं उसके समान एक दूसरे के ऊपर जमा होकर क्या बनाती बेटा, ग्रेनम बनाती। क्लियर, आगे देखिए, ईच ग्रेनम प्रेजेंट 50 to 100 थायलाकोइड्स। ईच ग्रेनम में, प्रत्येक ग्रेनम में कितनी होगी बेटा थायलाकोइड, 50 से 100 थायलाकोइड्स हो सकती है। थायलाकोइड्स की अपन बात करें तो 0.3 से 0.6 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है, तो लंबाई कितनी होगी, व्यास कितना होगा बेटा इसका, 0.3 से 0.6 माइक्रोमीटर डायमीटर। एंड उसकी अगर मैं कहूं थिकनेस जो होगी वो 0.042 0.08 माइक्रोमीटर थिकनेस होगी। उसकी थिकनेस कितनी होगी बेटा, 0.04 से
0.08 माइक्रोमीटर थिकनेस होगी उसकी। ठीक है, किस तरीके से, मैंने एक इंटरनल स्ट्रक्चर, अब एक थाइलेकोइड की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए कैसे थाइलेकोइड ग्रेनम क्या है का? मैं ग्रेनम क्लियर कर दूं आपको, तो देखिए एक थाइलेकोइड ये हो गई, ये एक है, दूसरी थाइलेकोइड ये हो गई, तीसरी थाइलेकोइड ये हो गई, चौथी थाइलेकोइड ये हो गई, पांचवी थाइलेकोइड ये हो गई, सिक्स सेवन एट, क्लियर, इसे थाइलेकोइड कहते हैं। इसकी जो डायमीटर ये होगी जो कितनी है 0.3 से 0.6 माइक्रोमीटर डायमीटर। इसकी जो इस तरीके से अपन कह रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी 0.04 to 0.08 माइक्रोमीटर थिकनेस होगी। इस तरीके से ये क्या है आपका ग्रेनम, थाइलेकोइड एक इकाई को कहते हैं, ग्रेनम बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर एक ढेर नाम स्ट्रक्चर बनाए उससे अपन क्या कहेंगे बेटा ग्रेनम कहेंगे। तो ये ग्रेनम, क्लियर। अब बात करें बेटा ग्रेनम, ग्रेनम जो ग्रेनम वर्ड है वो ग्रेनम, वो ग्रेन से बना है, एक तरीके से छोटे छोटे दाने जिसे अपन कह रहे हैं या अनाज के लिए लिया गया है तो उसे कहते हैं। और मेयर ने इसे 1883 में डिस्कवर किया था, किसको, ग्रेना। ग्रेना किससे बना था, ग्रेनम से ही बना है, उसी के प्लूरल को अपन क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। तो देखिए बेटा सिंगुलर वर्ड की अपन बात करें तो सिंगुलर वर्ड होता है ग्रेनम, और प्लूरल की बात करें अपन प्लूरल तो वो होता है ग्रेना। कैसे, देखिए ये क्या है बेटा ग्रेना, ग्रेना ऐसे बहुत सारे ग्रेनम, ए ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना, क्लियर। तो देखिए 4200 ग्रेना फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, जो 40 से 100 तक ग्रेना प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में। अगर मैं कहूं कि यहां ग्रेना को किस तरीके से अपन डिफाइन करें तो ए ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा एल्गी, एल्गी क्लोरोप्लास्ट में कॉल्ड ए ग्रेनल, एल्गी का जो कुछ जो एल्गी होती है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो ए ग्रेनल होगा, क्योंकि वो विदाउट ग्रेना होता है इसलिए उसे ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। C4 जो प्लांट होते हैं, C4 प्लांट हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, यहां पर C4 प्लांट वो प्लांट है जिसमें C4 साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस की, वो उसे अपन C4 प्लांट कहते हैं। प्लांट पजेस टू टाइप क्लोरोप्लास्ट, तो जो C4 प्लांट होते हैं उनमें टू टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक होते हैं ग्रेनल और एक होते हैं एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रेनल मतलब ग्रेना प्रेजेंट और एग्रेनल मतलब विदाउट ग्रेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें C3 प्लांट हैव ओनली ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और जो C3 प्लांट होते हैं वो केवल कौन सा ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, यानी उसमें ग्रेना प्रेजेंट होती है, तो एक ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना। देखिएगा ये एक क्या है, एक क्या है, ये एक ग्रेनम, इसी प्रकार ये दूसरी ग्रेनम है, ये दूसरी ग्रेनम हो गई, ये सेकंड ग्रेनम हो गई, ठीक है, ये सेकंड ग्रेनम, इसी तरीके से ये थर्ड ग्रेनम हो गई, ये थर्ड ग्रेनम हो गई, ये थर्ड ग्रेनम, क्लियर। इनको समूह, ऐसे क्लोरोप्लास्ट में 4200 ग्रेना प्रेजेंट होती है, 4200 ग्रेना होगी, इन्हें अपन तो एक फर्स्ट ग्रेनम, सेकंड ग्रेनम, थर्ड ग्रेनम, इसको अपन पूरी को, तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे बेटा, तीनों को अगर मैं कहूं तो क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे, क्लियर। तो ये एक तो क्या है ग्रेनम, और ये तीनों को अपन क्या कहेंगे सम्मिलित रूप से ग्रेना। तो थाइलेकोइड वर्ड क्लियर हुआ, ग्रेनम क्लियर हुआ, ग्रेना क्लियर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा इंटरनल ग्रेनम, सॉरी इंटर ग्रेनम, इंटर ग्रेनम। देखो ग्रेनम क्या है बेटा, ये इंटर मींस इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच जो लेमिली प्रेजेंट होगी उसे क्या कहेंगे, इंटर ग्रेनम।
तो इंटरग्रेनम कहां होगा? इन दोनों के बीच। ये क्या है बेटा? इंटरग्रेनम। तो ये इंटरग्रेनम होगी, इसे अपन इंटर थाइलेकोइड भी कह सकते हैं, इसे अपन इंटरग्रेनल या लेमिला भी कह सकते हैं। इंटरग्रेनल या इंटर लेमिला या इंटरग्रेनम, इसी तरीके से इन दोनों के बीच ये हो गई, इसी तरीके से इन दोनों के बीच ये हो गई, इस तरीके से ये इनके बीच जो उपस्थित है उन्हें अपन क्या कहेंगे बेटा? इंटरग्रेनम, जो ग्रेनम को आपस में जोड़े रखती है। देखिए ग्रेनम आर कनेक्टेड टू वन एंड अनदर, एक दूसरे को जोड़े रखती है ग्रेनम। इंटरकनेक्शन दे आर आल्सो कॉल्ड फ्रंट लेमिला, इसे फ्रंट लेमिला भी अपन कह सकते हैं। क्लियर? तो इंटरग्रेनम क्लियर हो गई। तो फोर पॉइंट जो अपने थे लेमिलर सिस्टम की, फोर जो यूनिट है वो क्लियर हो गई। ये एक को अपन क्या कहेंगे बेटा? थैलेकोइड। इस पूरे को क्या कहेंगे? ग्रेनम। इस पूरे जो ये बहुत सारे जो ग्रेनम है उन्हें क्या कहेंगे? ग्रेनम। और जो ग्रेनम आपस में इंटरकनेक्टेड है इसे क्या कहेंगे? इंटरग्रेनम। क्लियर? क्वांटोसोम बात करें अपन। क्वांटोसोम जो वर्ड है, क्वांटो मींस होता है लाइट और सोम मींस होती है बॉडी। क्वांटो एक प्रकाश की यूनिट भी है, तो सोम क्वांटा यानी जो फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा? क्वांटोसोम है। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम एक राउंडेड सर्कुलर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो थायलेकोइड की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया, जो थायलेकोइड की ये जो इनर मेम्ब्रेन होगी यहां क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? यहां क्वांटोसोम प्रेजेंट होंगे, ये क्वांटोसोम है। क्लियर? तो क्वांटोसोम को डिस्कवर्ड किसने किया था बेटा? क्वांटोसोम को डिस्कवर्ड किया था पार्क एंड पोन नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्हें 1963 में जो है क्वांटोसोम है उसे डिस्कवर्ड किया था। तो क्वांटोसोम के बारे में पार्क और पोन ने 1963 में बताया। हम बात करें इनकी साइज की, तो ये 185 एंगस्ट्रॉम लेंथ के होते हैं, यानी लंबे कितना है? 185 एंगस्ट्रॉम। यदि मैं बात करूं इनकी विड्थ की, तो विड्थ है 155 एंगस्ट्रॉम। यदि इसकी मोटाई अपन बात करें, डेप्थ अपन बात करें, तो वो है डेप्थ, तो वो 100 एंगस्ट्रॉम इसकी डेप्थ होती है। यदि इसका मोलिकुलर वेट अपन बात करें, तो मोलिकुलर वेट होता है बेटा 2×10^5 डाल्टन इनका मोलिकुलर वेट होता है। तो मोलिकुलर वेट कितना है? 2×10^5 डाल्टन। यदि मैं बात करूं कि इनमें क्वांटोसोम में क्या प्रेजेंट है, तो 200 से 400 मोलिकुल जो है वो क्लोरोफिल के होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए बी सी डी ई अपन ने बात किया था पूर्व की वीडियो में। तो क्लोरोफिल मोलिक्यूल पिगमेंट के रूप में होता है। इसके अलावा 60 जो मोलिक्यूल होते हैं वो होते हैं जैंथोफिल के, जैंथोफिल के होंगे 60 मोलिक्यूल। और 50 जो मोलिक्यूल होंगे वो केरोटीन के 50 मोलिक्यूल होंगे। और जो क्वांटोसोम है वो फोटोसिंथेटिक जो यूनिट है फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में आइडेंटिफाई होती है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये अपना क्वांटोसोम अपने बात कर दूं, मैं और क्वांटोसोम के बारे में आपको बता दूं। तो देखिए बेटा जो क्वांटोसोम होंगे ये एक मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन ये इसकी, यहां इंटरनल फेस पर जो इनर फेस है इसमें क्वांटोसोम प्रेजेंट होते हैं। और क्वांटोसोम में 200 से 400 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के होते हैं, 60 मॉलिक्यूल जैंथोफिल के होते हैं, 50 मॉलिक्यूल केरोटीन के होते हैं। और ये एक फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो अपना क्लोरोफिल कंप्लीट हो गया। तो देखिए बेटा क्लोरोफिल में मैं ये लेमिनर सिस्टम बना दिया और ये मैंने इसकी मेम्ब्रेन बना दी, ये अपना क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और वो इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये अपना लेमिलर सिस्टम था। ये इसके अंदर क्या बना हुआ बेटा? मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें डीएनए आरएनए राइबोसोम इसके अलावा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइबोसोम हो गया, ये डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गए, ये स्टार्च पार्टिकल, ये एंजाइम्स पार्टिकल्स, ये प्लास्टोग्लोब्यूल जो है वो हो गए। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर लगता है अपना कौन? क्लोरो
ब्लास्ट। क्लियर बेटा, तो ये था आज का अपना वीडियो जिसमें हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की थी, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की संरचना का स्टडी हमने 4 पॉइंट्स में बात की, जिसमें क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, मैट्रिक्स, लैमिनर सिस्टम और क्वांटोसोम का डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।